टीनेजर मतलब युवावस्था में डिसिप्लिन मतलब अनुशासन कैसे करें, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूं और मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं और सवाल पूछते रहते हैं कि भाई बच्चों को कैसे अनुशासन लगाए, डिसिप्लिन में कैसे रखे, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो इसके जवाब आपको शायद ये वीडियो से मिल जाएंगे। और आपको और कुछ सवाल होंगे तो हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डॉक्टर केळकर, या आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, उसमें आप सवाल डालो, आपको फ्री चैटिंग वहाँ उपलब्ध है, आपके जवाब वहाँ मिल जाएंगे। देखिए युवावस्था में क्या होता है कि जैसी उम्र बढ़ जाती है, बच्चा 14-15 साल का होता है तो वो आर्ग्यूमेंट मोड में आता है, मतलब वो मानता नहीं, जो कुछ हम उसको बोलते हैं तो मानेगा नहीं, वो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा, उसको ना बोलेगा, क्योंकि उसको बताना पड़ता है कि मैं कुछ तो भी अभी हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, और फिर वो आर्ग्यूमेंट करके उसके ऊपर बहसबाजी करेगा, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिर हमको लगता है कि देखो अपोज कर रहा है। फिर दूसरा होता है उसका एरोगेंस, उसकी आइडेंटिटी काफ़ी डेवलप हो जाती है, आय आइडेंटिटी मैं, और फिर वो अहंकारी बन जाता है कि मुझे आता है, मुझे मालूम है। क्या होता है कि बच्चे आजकल माँ बाप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको काफ़ी सारा इंटरनेट के जरिए, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए सब उनको मालूम रहता है, एकदम गूगल पे वो सर्च कर लेते हैं, तो उनको ज्ञान भी अच्छा रहता है, फिर उनको वो अहंकार बढ़ जाता है कि हमको सब मालूम है। तीसरा, ये उम्र में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, और उसमें फिर गुस्सा बढ़ जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और चौथा, ये बच्चों में थोड़ा सा ऐसा एक माँ बाप से दूर रहने की इच्छा रहती है, अलोननेस, अलोन दूर रहना, मतलब अभी उनको लगता है कि माँ बाप के साथ में क्या जाना, समझो शादी में जाने का है, तो पहले माँ बाप के साथ में जाते थे शादी में, अभी उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, या कहीं बाहर जाना है तो उनको लगता नहीं मैं दोस्तों के साथ में जाऊँगा, माँ बाप के साथ में नहीं जाऊँगा अभी, तो उसको एक अलग से आइडेंटिटी आती है, अलोननेस फिर उसका डेवलप हो जाता है कि नहीं मैं अलोन रहूँगा और मैं मेरा कर सकता हूँ। अब ये चारों चीज़ें जो है वो माँ बाप के दिमाग के बाहर की हो जाती है, उनको लगता है कि बच्चा हाथ से निकल गया, इसको ऐसा संभलना, फिर उसका विरोध करते हैं, माँ बाप रेजिस्ट करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज वॉट एवर यू रेजिस्ट इट परसिस्ट, वो वहीं रहेगा। तभी क्या करना चाहिए इसके लिए, नंबर एक तो क्या करो कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, और स्वीकार का मतलब ऐसा होता है कि एक्टिव स्वीकार करना है, करना पड़ेगा करके नहीं है, मतलब आई हैव टू डू इट ऐसा नहीं है, स्वीकार करना है जो है उसका, स्वीकार करना मतलब जैसा है वैसा ठीक है यार, ठीक है कोई चिंता नहीं, हो जाएगा बराबर। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि इतना सब चेंजेस हो रहे, फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे, स्वीकार करो, एक्सेप्ट, क्योंकि वो काफ़ी सारा बदल होते रहता है, तो आप स्वीकार करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, तो फिर वो बच्चा सुनने की मोड में आता है, जब विरोध करते हैं तो फिर वो विरोध ही सुनता है सिर्फ। नंबर दो, उसको अप्रिशिएट करो, तो अप्रिशिएट कहाँ करना है कि भाई उसने जो काम किया उसके लिए अप्रिशिएट करो, जो काम के लिए आप अप्रिशिएट करते हो तो वो वर्क जो है ना वो रिपीट कर देगा, तो उसने पढ़ाई किया तो तू बहुत अच्छा है, वो अच्छा है बुरा है छोड़ दो उसको, उसने काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई किया तो बहुत अच्छी पढ़ाई किया है, और उसने मार्क्स लाया तो ना तुमने अच्छी पढ़ाई किया होगा, अच्छा नॉलेज है इसलिए अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब देखो तू अच्छा है और तू बहुत बेहतरीन है, नहीं तूने अच्छी पढ़ाई किया, अच्छे मार्क्स लाए, तेरा नॉलेज अच्छा है, मतलब अप्रिशिएट काय को कर रहे, कौन सी चीज़ को कर रहे, उसके नॉलेज को कर रहे, उसने जो एफर्ट्स लिए मेहनत लिया उसको कर रहे, क्योंकि जो अप्रिशिएट हम करते हैं वो बढ़ता है, वो रिपीट होता है, तो अप्रिशिएट फॉर द वर्क डन, नॉट अप्रिसिएशन फॉर हिज बॉडी और हिज लुक्स बिहेवियर, ऐसा वो नहीं करने का। तीसरा क्या होता है कि ये उम्र में बच्चों को काफ़ी सारा मतलब ऐसे किक देने वाली एक्टिविटी करने की इच्छा रहती है, एडवेंचरस, तो उनको ट्रैकिंग पे जाने में मजा आता है, साइकिलिंग करना है, बाइक फास्ट चलाने का है, बाइक लेके कहीं टूर पर जाने का है, तो ऐसा जब उनको करना है तो आप वो तो उनको करने दो, मगर अपने साथ में कैसा उनको रख सकते हो और आप उनके साथ में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो, देखो जैसे आप एम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं, उनके साथ में बैडमिंटन खेल रहे हैं, ट्रैकिंग पे उनके साथ में जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको लेके जिम में जा रहे हैं, तो उसको उसमें मज़ा आ जाएगा, और जो भी वो करना चाहता है बाकी वो करने दो, वो करने दो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें कितनी केयर ले सकते हो उसके लिए उसको सुझाव दो, किसमें बाइक के ऊपर जा रहा फास्ट चला रहा तो भाई अब हेलमेट लेके जा रहे हो, या किस तरह से
बाइक चलाएंगे ताकि एक्सीडेंट नहीं होगा, क्या करना है, मतलब वो उसको सजेशन आप दे सकते हैं, बाकी उसका पीछा नहीं करने का है। तो नंबर चार, उसको कोई सलाह देना है तो अभी क्या होता है कि बच्चा बड़ा होने के बाद में माँ बाप से सुनता नहीं और उसको लगता है कि बहुत पीछे लगते हैं। तो एडवाइस जो देना है उसको, तो चार नंबर का हमारा पॉइंट है वो है कि भाई लोगों से उसको एडवाइस दो, मतलब उसका टीचर होगा तो, उसका कोचिंग क्लास वाला होगा तो टीचर, या उसके दोस्त बड़ा, उसका दोस्त बड़े उम्र का होगा तो, या जिसकी भी वो सुनता है उससे वो एडवाइस उसको दिला दो। हम एडवाइस देंगे जाएंगे तो उसको वो लगता है कि नहीं ये तो मेरे पीछे लग रही है, ऐसे ही बोलते रहते हैं एकदम, मेरा करने देते नहीं मेरे को, और वो फिर वो मानते नहीं। तो कोई सलाह देने का नहीं है बिना पूछे, सलाह देने का है तो वो तीसरे आदमी से देने का है। पांचवा पॉइंट है कि उसको पूछो। क्या होता है कि सवाल जब पूछते हैं तो उसको लगता है कि मुझे महत्व दिया, और फिर वो सोचता है वो करेगा वही जो आपको चाहिए, मगर आपने उसको बोलना है कि हाँ अभी कर, अभी टीवी बंद कर और पढ़ाई कर, अभी क्या हो गया ये ऑर्डर हो गई। उसके बदले आप पूछ सकते हैं कि आप पढ़ाई कब करने वाले हैं, आपका टाइम टेबल क्या है पढ़ाई करने का, या रात को 8 बजे खाना खाएंगे, ऐसा बोलने के बजाय रात को खाना कब खाने वाले हैं। बोलता कभी भी, तो फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि रात को आप 8 बजे खाना खाने वाले कि 9 बजे खाना खाने वाले, फिर वो बराबर जवाब देगा उसको, और कुछ इधर उधर भय की बातें नहीं करेगा कि नहीं नहीं अभी खाना नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो उसको पूछना है, और पूछने के समय उसका जवाब आएगा और उसको लगेगा कि वो जो आपको जो चाहिए वो बोल रहा है, उधर से आ रहा है वो, तो ऐसा उसको फीलिंग आ गया तो उसको लगता है कि नहीं मैंने जवाब दिया हुआ है, मैंने क्रिएट किया है, फिर वो मानेगा। तो जो भी आपको करवा के लेना है वो सवालों के रूप में उसको पूछने का है। आपको समझो रात को भिंडी की भाजी करनी है, अभी आप बोलेंगे भिंडी की भाजी करनी है तो फिर बोलने नहीं भिंडी नहीं होना, तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आज रात को भिंडी की भाजी करना है, कैसे लगेंगी भिंडी, भिंडी की भाजी किया तो, या आप पूछ सकते हैं तो हाँ ठीक है अच्छा है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप शाम को भिंडी की भाजी है ऐसा बोलना, और भिंडी की भाजी शाम को की तो कैसा होगा, ऐसा पूछना। देखो सवाल वही करना है जो हमको चाहिए वही, मगर अभी उनके मुंह से हम हाँ या ना, और हाँ ही हमको सुनना है, हम हाँ सुनवा के ले रहे। तो इस तरह से हम करते हैं तो ये जो एरोगेंस, अहंकारी वृत्ति, आर्गुमेंट मतलब बातचीत और झंझट करना, या वाद विवाद करना, या गुस्सा, ये सब बातें जो ये उम्र में उभर के आती है उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल रहेगा। आपका बच्चा जो है युवावस्था में आने के बाद में भी आपका दोस्त बन के रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि 16वां साल हो गया 16 ईयर्स, और यदि आपकी चप उसके पैर में आने लगी, बाद में सब एडवाइस देना बंद करना पड़ता है, बाद में उसको सहन करना है, क्योंकि बाद में आप कितना भी चेंज करने की कोशिश करेंगे वो चेंज होने वाला है नहीं। कुछ रिसर्चर जो है वो बोलते हैं कि 12 साल के बाद में ब्रेन का डेवलपमेंट बंद हो जाता है, कुछ रिसर्चर बोलते हैं कि 16 साल की उम्र के बाद में बंद हो जाता है। एनीवे जो भी आप समझे, तो आपके जूते उसके पैर में आना चालू हो गए तो बंद, बाकी फिर एडवाइस देने का नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, एक फ्रेंडशिप का रिश्ता डेवलप हो जाएगा और घर में सुख शांति खुशियाँ वो रहेंगी, नहीं तो फिर क्या है झंझट झगड़ा अशांत वातावरण ऐसा घर में रहेगा और घर में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बच्चा घर में आने के लिए भी डरेगा कि घर में जाने ही नहीं, घर में जाने के बाद में बहुत पीछे लगते हैं, तकलीफ होती है, झंझट होती है, तो वह घर में भी आता नहीं, फिर बाहर रहेगा, बाहर रहेगा तो फिर कोई आदतें लग जाएंगी, मतलब ऐसा वो विशेष साइकिल है, दुष्ट चक्र है। तो मैंने जो बातें बताई वो आप करते हैं तो बच्चे को डिसिप्लिन लग जाएंगी। ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स लोगों को शेयर करो ताकि सभी के मन में जो ये विचार है, ये प्रॉब्लम है, उसका उनको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।